मैं देखने का हूँ छोटा, मेरा पास है हगने का लोटा। ठीक है छोटू भाई। हम बात कर रहे हैं शराब माफिया की। बिहार में शराब माफिया बेखौफ, तो शराबबंदी इस राज्य में लागू है, इसके बावजूद भी शराब तस्करी एक्टिव है। शराब तस्करी के लिए हर रोज रोज नए तरीके को अपना रहे हैं। लोगों के जरिए से शराब तस्करी जबरदस्त चल रहा है। आज फिर से एक व्यक्ति का मौत हो चुका है। चलिए जानते हैं इनके परिजनों से। हाँ तो भाभी जी, आपका जो पति मरा है क्या सचमुच मरा है? हाँ तो भाभी जी, मेरा कहने का मतलब है कि जहरीली शराब पी के मरा है। हाँ तो रोते रहिए, कंटिन्यू। जैसे कि आप देख रहे हैं मस्तान की पत्नी रो रो के बुरा हाल। यहाँ पर पुलिस भी पहुँच चुका है। चलिए पूछते हैं कुछ सवाल पुलिस से। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, सुनने में आया है कि शराब तस्करी में आप लोगों का हाथ है। देखिए, हम लोग छानबीन कर रहे हैं। शराब माफिया को जितना जल्दी हो सके हम लोग अपने गिरफ्त में कर लेंगे। इंस्पेक्टर से कुछ सवाल किए थे लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। चलिए गांव वाले से कुछ सवाल पूछ के देख रहे हैं। हाँ तो भाई साहब, इस राज्य में शराब बंद होने का कितना साल हुआ? 5 साल। 5 साल हो गया शराब बंद होने का, लेकिन इतना आदमी पीता कैसे है? यहाँ शराब खुलेआम बिकता है, हम लोगों को कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। एक कॉल करो तो शराब हाजिर। अच्छा, चलिए गाइस, हम लोग यहाँ से चलते हैं। पुलिस को छानबीन करने दीजिए। बने रहिए आज तक न्यूज पर। बताओ, इस गांव में शराब का तस्करी कौन करता है? हमको पता नहीं सर। तू बता, इस गांव में शराब का तस्करी कौन कर रहा है? सर हमको पता नहीं। कौन है वो? छोड़ दो साहब, हमें वो हमें जान से मार देगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, बताओ मुझे। साहब, जब से दारू बंद हुआ है तब से सिस्टम को खरीद करके कच्चा दारू बेच के लोगों को मारने वाला एक ही इंसान है, वो छोटू पासवान। छोटू पासवान? अच्छा ठीक है, तुम लोग बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। छोटू पासवान से जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। मैं देखने का हूँ छोटा, मेरा पास है हगने का लोटा। हे, यही लोटा से मार मार के तुमको लिट्टी चोखा बना देंगे। गवाह बनने का बहुत शौक है तुम्हें। छोटू भाई मरू जाएगा दारू के साथ, नहीं तो मर्डर केस भी चलने लगेगा। छोटू भाई जो मर्डर केस में जेल जाता है उसको कौवा बिरयानी खिलाता है, जो खा लेता है तो दिन रात काव 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 करता है। वो चर्बी चराया ना तुमको मीडिया में आने का, यही दफना करके न्यूज बना देंगे। जो लेता है छोटू पासवान से पंगा, मैं उसे कर देता हूँ नंगा। साले चर्बी चराया ना। मम्मी, भाई भाई छोटो इसे डर गया बेचारा, ए भाग यहाँ से। रे लड़का, मेरा नाम लिया ना, मैं अपना वाला मुंह में डाल देंगे। क्या डालिएगा? बंदूक और गोली मार देंगे। हाँ तो कौवा बिरयानी खाइएगा। हद बोका चोदा, हमेशा डराते रहता है। छोटू भाई, ओ छोटू भाई, छोटू भाई, छोटू भाई, पुलिस आ रहा है। कहाँ डर के मारे छुप गए रे? अब तुम लोगों को डरने का कोई जरूरी नहीं है। मैं हूँ हवलदार चंपकलाल।
ये तो मेरा चमचा है। अरे यार फोन उन करके आया करो, तेरा अचानक आ गया है, मेरा जिया धक धक करने लगा था। अरे सभी वो सब बात छोड़िए और लाइए। ओ अच्छा अच्छा समझ गए, ये लीजिए। अरे हाँ छोटू भाई, हम बोल रहे हैं मेरा कमीशन लाइए। ओ इस तरह खुल के बोलिए ना, जंगल में खड़ा हो के इस तरह करोगे हम क्या समझेंगे, यही ना समझेंगे। हेलो यस करो, थोड़ा समझ कर छोटू भाई। आपका जहरीली शराब पी के गांव वालों की मौत हो चुका है, वैसे भी सिस्टम पूरा टाइट हो चुका है। ये जो नया इंस्पेक्टर है ना आपके एरिया में, साला बहुत छछुंदर है, आपको टारगेट में रखा है। खरीद लो उसे, उसे मुंह मांगा रकम देंगे। छोटू भाई वो बिकने वालों में से नहीं है, पूरा संभाल के। जब तुम्हारा जैसा वफादार कुत्ता मेरे साथ है तो डरने का क्या बात है। छोटू भाई एक पेट मिल गया क्या? ओहो पैसा भी दे और प्याज भी बुझाए। छोटू भाई समुंदर से एक लोटा पानी निकालेंगे तो समुंदर में पानी कम हो जाएगा क्या? अच्छा अच्छा दो बोतल लाके दे दो रे। ठीक है छोटू भाई। लो तुम भी पियो, अपने बीवी को भी पिलाओ, तब फिर आपका बेबी आपको अच्छा तरह से देगी। क्या पैर है दवा के? छोटू पासवान ने नाक में दम करके रखा है, मैं साला छोड़ूंगा नहीं उसे। हाँ सर सुनने में आया कि जंगल से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है, उस गांव में उसका अड्डा है। गिरफ्तार कर लो उसे। सर आग ज्यादा बनने लगे तो समय रहते मुंह देना चाहिए, वरना वो आग घर जला देता है। चंपकलाल सर कोई तो है हमारे टीम में जो दुगला पत्ती करता है, इसलिए हर बार छोटू पासवान बच जाता है। जिस दिन भी पता चल जाएगा छोटू पासवान के साथ साथ उसका भी कार में बंदूक खड़ा करके गोली मार देंगे। गाँव के चप्पा चप्पा छान मारो, छोटू पासवान बचना नहीं चाहिए। सर छोटू भैया पुलिस ने इस गांव को चारों तरफ से घेर लिया है। पुलिस को किसने खबर किया फिर? चलो भागो रे। Thank you.
हाथ से निकल गया। आपके हाथ आया ही कब? ये खेल नहीं है बच्चों बच्चों का, खेल निकल जाते हैं अच्छे अच्छों का। देखा पुलिस को कैसे चकमा देके निकल गए। कला दारू में स्पीड ज्यादा हो गया। हमारा क्या, जो पिएगा वो समझेगा। छोटू भाई, पुलिस ने अड्डा में आके सबको गिरफ्तार कर लिया। मुझे छोड़ दो साहब, आपका सुंदर बीबी का कसम, सारे सुंदर बीबी का कसम देता है। चल साले, आज बता तुम्हें छुटो जेल में। छोड़ दो साहब मुझे, मेरा अभी तक शादी भी नहीं हुआ है। पुलिस ने सब कुछ उठ के चला गया। जैसे बोले वैसा ही करना। छोड़ दीजिए ना सर, आपका छोटे छोटे बाल बच्चे इंस्पेक्टर छोड़ दो मेरे साथियों को, वरना 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 क्या, वरना केले के पेड़ में रस्सी लगा करके खुदकुशी कर लूंगा। बुड़बक पासवान, बुड़बक पासवान नहीं, छोटू पासवान। तू जो भी है तू नहीं मरेगा, केले के पेड़ मरेगा। साले ने बोलने का, साले छोटू पासवान, यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं मेरा मतलब है कि यू आर अंडर अरेस्ट। मैं जानता हूँ तुम मुझे अरेस्ट करने का कोशिश करोगे। तुम अपने बीबी को कॉल करके देखो। क्या हुआ, क्या हुआ मेरे बीबी को, क्या हुआ? सर आपका बीबी तो प्रेग्नेंट थी, और क्या होगा? तुम जो अपना काम करो। हेलो हेलो, तुम कहाँ हो? मैं मार्केट से आ रही हूँ। ठीक हो ना? मैं ठीक क्यों नहीं रहूंगी, आपने जो मेरे लिए चपरासी भेजा है। अरे वो चपरासी नहीं है, मजाक कर रहे हो जी। चपरासी मुझे मार्केट लेके गया और नेकलेस खरीद के दिया, गोलगप्पा भी खिलाया और बोल रहा है मेरा कपड़ा भी धोके देगा, हाथ पैर भी दबा के देगा। क्यों जी? ओ सिक, छोटू पासवान तूने ये अच्छा नहीं किया। तुम फिर किधर अच्छा किया मेरे साथियों को गिरफ्तार करके? प्लीज मेरे बीवी को छोड़ देने बोलो। अच्छा ठीक है ठीक है, मेरे साथियों को छोड़ दो। मेरे साथियों को गिरफ्तार करने का कोशिश किया तो इस एरिया में चट्टी में घुमाऊंगा। ठीक है, इंस्पेक्टर का बीबी को सही सलामत छोड़ दो। ठीक है छोटू भाई।